स्टीम इंजन को फायरमैन और ड्राइवर मिलकर चलाते हैं। फायरमैन फायर बॉक्स के अंदर कोयले की सही मात्रा को डालने का काम करता है और ड्राइवर प्रेशर वाल्व, पटरी पर मौजूद कोई बाधा, ब्रेकिंग सिस्टम और बाकी जरूरी चीजों पर निगरानी रखने का काम करता है। फायर बॉक्स के अंदर ताजी हवा आने के लिए एक सिस्टम दिया जाता है ताकि कोयले को जलने में मदद करने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई बाधा न आ सके और जले हुए कोयले से उत्पन्न हुई राख को इकट्ठा करने के लिए एक ऐश चैम्बर बिल्कुल फायर बॉक्स के नीचे बनाया जाता है। जैसे जैसे फायर बॉक्स के अंदर तापमान बढ़ता है वैसे ही फायर ट्यूब्स द्वारा बॉयलर में रखा हुआ पानी स्टीम में बदलकर पिस्टन सिलेंडर की तरफ जाने लगता है। अगर किसी कारण से बॉयलर के अंदर जरूरत से ज्यादा स्टीम का दबाव बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व बॉयलर के ऊपर दिया जाता है। जैसे ही भाप सिलेंडर के अंदर पिस्टन को धक्का लगाती है वैसे ही पिस्टन से जुड़ी हुई ड्राइविंग रॉड लोहे से बने हुए पहियों को घुमाना शुरू कर देती है। इसके बाद इस्तेमाल हुई भाप ठंडी होकर दोबारा बॉयलर में चली जाती है। कोयले को जलाने के बाद उससे उत्पन्न हुई गैस को चिमनी के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। प्रैक्टिकल करने के लिए आप मार्केट से स्टर्लिंग इंजन को खरीद सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।